अलीगढ़ में कवि चिराग अलीगढ़ की पुस्तक चिराग की डायरी का विमोचन रामघाट रोड स्थित एक होटल में किया गया। राकेश गौड़ चिराग अलीगढ़ी का काव्य संग्रह समाज को दिशा देने वाला प्रेरक कविताओं की एक पुस्तक है, जिससे उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनकी पत्नी शिक्षाविद डॉक्टर मंजू गौड़ ने प्रकाशित किया है। इस मौके पर डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ, प्रेम कुमार, देव नारायण भारद्वाज, प्रेम किशोर पटाखा, जानी फॉस्टर, डॉक्टर मंजू शर्मा वनीता, डॉक्टर राहुल कुलश्रेष्ठ आदि मौजूद रहे। ये आयोजन मेरे पति स्वर्गीय श्री राकेश कुमार गौड़, जिन्होंने अपना पेन नेम चिराग अलीगढ़ी रखा था, उनकी कविताओं का एक संग्रह जिसे वो एक डायरी में लिखा करते थे, तो मैंने चिराग की डायरी उस कविता संग्रह का नाम दिया है और आज उसी का विमोचन हो रहा है। इस विमोचन में श्री प्रेम कुमार जी वरिष्ठ साहित्यकार, वेद प्रकाश अमिताभ जी वरिष्ठ साहित्यकार, DMO राहुल कुलश्रेष्ठ जी, उसके अलावा जॉनी फास्टर साहब, अशोक अंजुम साहब और काफ़ी बड़े बड़े वरिष्ठ साहित्यकार इस आयोजन में उपस्थित हैं। किस विषय पर कविता के सभी विषय उन्होंने छुए हैं, खास तौर पर सामाजिक कुरीतियों को छुआ है, लेकिन एक कुरीति को वो छूना भूल गए हैं, वो है विधवा, जिसका दंश मैं झेल रही हूँ। आरक्षण के ऊपर भी बहुत अच्छा लिखा है, पर्यावरण पर भी लिखा है, लेकिन विधवा के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि शायद मैं ज़रूर लिखूंगी इस विषय पर।